आवर ऑनलाइन क्लास विच इज ऑर्गेनाइज बाई कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल। क्लास वन सब्जेक्ट हिंदी टू चैप्टर टू वर्णमाला। वर्णमाला वह कितना मीठा आम है। दिए गए चित्र में बच्चा आम के विषय में अपना विचार प्रकट करने के लिए मुंह से कुछ सार्थक ध्वनियों निकाल रहा है। इसी सार्थक ध्वनि समूह को भाषा कहते हैं। भाषा की तीन इकाइयां होती है। वर्ण शब्द वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे आम की ध्वनियां हैं अ प्लस म प्लस अ। लड़का की ध्वनियां हैं ल प्लस अ प्लस इस प्रकार आम और लड़का शब्द जिन छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बना है उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यही छोटी से छोटी ध्वनियां वर्ण कहलाती है। दो नंबर शब्द वर्ड। वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे आम कोमल किताब आदि। तीन नंबर वाक्य सेंटेंस। शब्द के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे पवन आम खा रहा है। वर्णमाला वर्णमाला अल्फाबेट। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर एवं व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर है। अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊरी ए ऐ ओ औ। व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। क वर्ग च वर्ग ट वर्ग ख वर्ग। प वर्ग या अंतस्व वर्ग या उष्म वर्ग। क ख ग घ ङ च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स तालव्य पेटकटा स दन स ह। ड और ढ का प्रयोग शब्द के प्रभाव में भी होती है, प्रभाव में नहीं होती है। ड और ढ का प्रयोग के शब्द के प्रारंभ में नहीं होता। अनुस्वर अनुस्वर जैसे रंग बंदर विसर्ग, जैसे दुख निसंकोच। संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संयुक्त है। क प्लस स प्लस छ कच। त प्लस र बराबर। एक नंबर अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, वह स्वयं में पुण्य स्वर है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, वह स्वयं में पुण्य है। अनुस्वर अनुस्वर विसर्ग। अनुशासिक चिन्ह अंग और आह वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोग्य वाह कहा जाता है।